आदम नाजरीन सियासत टीवी के बेहद खास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेजबान के जानी जानिए करता हूँ आलमी मौसखी में मोहम्मद रफ़ी कुदरत के एक नायाब करिश्मे का नाम है, है रफ़ी साहब को गुजरे हुए आज बयालीस साल पूरे हो गए लेकिन इस तवील मुद्दत के बाद भी उनकी मीठे और सुरीले नगमों का शबाब अपने उर्ज पर खायम उदायम है बल्कि हद तो यह है कि इस अजीम गुलकार के गीतों की चाहत में और इजाफे का एहसास होता है इस, तरह से इस दौर में भी उनके गाए हुए गाने आवाम की यादों में आज भी ताजा हैं तुम मुझे पाओगे। नगमा सराय की दुनिया में मोहम्मद रफी साहब इतनी गहराई वाले समंदर नुमा है कि इनके बारे में कोई बोले तो क्या बोले और कितना बोले उनकी गाय की बेमिसाल है हसी शाम को रफ़ी साहब तो हमारे दरमियान नहीं रहे लेकिन उनके गाए हुए सुरले नगमे उनकी यादें और उनके एहसास से भरे सुर हमारे एहसास से जुड़कर इन लम्हों को और भी यादगार बना देते हैं और उनकी कमी का एहसास होने नहीं देते जो तेरी देखी, ये दिल हो गया। आज के इस खास एपिसोड को गुलकार मोहम्मद रफी के नाम किया है आइए सब मिलकर मरहूम मोहम्मद रफी साहब की याद में ख़राज पेश करें मुड़ के देखूं मुझे। तो चलिए आज हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में बड़े सगीर के मुमताज गुलकार मोहम्मद रफ़ी के नगमों के साथ साथ हैदराबाद के नामवर गुलकारों से हम बातचीत भी करेंगे तो पेश है हैदराबादी सितारे की खसूसी सौगात दिल का सोना सांस तराना ढूंढेगा दिल का सोना सास तराना ढूंढेगा तेरे तीर निगाहें नास निशाना ढूंढेगा अरे मुझको मेरे बात जमाना ढूंढेगा दिल का सोना सास तराना ढूंढेगा तेरे निगाहें नास निशाना ढूंढेगा आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में अमजद खान साहब जी शुक्रिया बहुत बहुत तो नाजरीन आज हमारे साथ शामिल हुए हैं हैदराबाद के नौजवान गुलकार जो रफ़ी साहब के नगमे बहुत ही अच्छे अंदाज में गाते हैं और खूब धुम मचाते हैं बहरल अमजद ख़ान साहब आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब के गाए हुए नग़मों की और उनकी शख्सियत के बारे में और उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ वाकयात। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आपने कैरियर की शुरुआत की तो बहुत सारे सिंगर्स सामने मौजूद थे लेकिन आपने रफ़ी साहब के गीतों को गाने का क्यों ठान लिया आप कुछ और सिंगर्स को भी आप गुनगुना सकते थे और अपनी इमेज बना सकते थे जी बिल्कुल आ, मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत पसंद थी और दिल को छूती थी उनकी आवाज़ और साथ ही साथ थोड़ी आवाज़ उनसे मिलती थी मेरी तो कहीं मेरे चाहने वाले दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम गाते हो तो तुम्हारी आवाज़ रफ़ी साहब जैसे रफ़ी साहब से मैच करती है तो तुम रफी साहब के गाने गाया करो तो मैंने फिर अपने मैंने कोशिश की उनके गाने गाने की और मुझे लोगों ने बहुत पसंद किया और उनसे उन्हीं के गीतों से मेरा ज़्यादा नाम हुआ जब आप याद करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए तो वो कौन सा गीत पहला रहा होगा जो आपने पहली मरतबा स्टेज पर परफॉर्म किया अगर आप याद करना चाहते हाँ हैं हाँ मुझे याद आ रहा है 1997 में मैंने गाया था गांधी भवन ऑडिटोरियम में सबसे पहला गीत गज़ल फिल्म का रफ़ी साहब ने गाया था रंग और नूर के बारात किसी पेश करो पहला गीत था मेरा स्टेज के ऊपर फर्स्ट सॉन्ग ऑन तो चलिए मैं चाहता हूँ कि वही गीत आप हमारे नाजरीन के लिए हमारे ऑडियंस के लिए ज़रूर पेश करें जी ज़रूर रंग और नूर की बारात किसे पेश करो ये मुरादों की हसीरा किसे पेश करूं किसे पेश करूं रंग और नूर की बारात किसे पेश करो ये मुरादों, मुरादों की हसीरात पेश करूं, किसे, पेश, पेश, करूं। किसे पेश, पेश करूं? क्या बात है वाह वाह थैंक यू अमजद खान साहब वैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे फनकार आए उन्हें उतना प्यार नहीं मिला जितना मोहम्मद रफी साहब को मिला तो आप बताइए इसकी अहम वजह आप क्या मानते हैं एक तो उनकी शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत थी और बहुत रहमदिल और बहुत आ, मतलब सखावती इंसान थे खुदादा सलाइत थी उनमें एक ये थी उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो बता रहा हूँ मैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी उनके ऐसा हरफन मौला नहीं था उनसे आप कोई भी गीत गवा लो चाहे वो भजन हो खवाली हो गज़ल हो या लाइट फिल्मी गीत हो या क्लासिकल हो हर रंग में उनको आज़माया गया और उन्होंने वो, वो हर रंग में खड़े उतरे और उनकी एक वाइल वो जो थे बहुत वस्टाइल आर्टिस्ट थे मतलब हर फन मौला बोल सकते जिनको यही बहुत खूबी थी जिनसे दुनिया उन्हें बहुत पसंद करती थी और हम भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं और रहती दुनिया तक जब तक संगीत जिंदा है उनको भूलना नामुमकिन है बेशक जी सही बात है जी लेकिन आपने जब जिक्र किया हर रंग के गीत इन्होंने गाए जी तो कोई ऐसा गीत जो आपको बहुत ज़्यादा दिल के करीब लगता हो वो आप हमारे ऑडियंस के लिए ज़रूर सुनाएं क्योंकि आज ये खसूस प्रोग्राम पेश करने के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है और ये शो हम पेश कर रहे हैं जी मुझे दोस्ती के गाने बहुत पसंद थे दोस्ती फिल्म जब आई थी सिक्सटीज़ में है, शायद मैं समझता हूँ मैं अगर सही हूँ तो सिक्सटीज़ में दोस्ती आई थी तो उसमें रफी साहब के गाने बहुत मकबूल हुए थे बहुत मशहूर हुए थे उसमें से एक गीत मुझे बहुत पसंद है मैं आपको पेश करता हूँ वो गीत जी जी मैं तुझे साज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज दूंगा आवाज मैं न दूंगा चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं मैं न चाहूंगा मैं तुझे वाह वाह बहुत शुक्रिया थैंक यू अच्छा अमजद खान साहब आप तो काफी साल से रफी साहब के नगमे गाते हैं गुनगुनाते हैं yeah. लेकिन रफ़ी साहब के बारे में अगर कोई वाकया आपको याद आता हो तो आप हमें ज़रूर शेयर करें जी मुझे एक वाक़ याद आया है मैंने सुना भी है और उनकी सखावत के बारे में बहुत सखावती थे बहुत रहम दिल थे लोगों की हेल्प करते थे जितना हो सके वो हाँ एक बार महबूब स्टूडियो में वो रिकॉर्डिंग के लिए एक कोई गाने की रिकॉर्डिंग के लिए वो आए हुए थे पहले डेमो सिंगर्स गाते हैं उस गीत को और ये सुनते हैं फिर ये अपनी आवाज़ उस गाने को स्पेशल देते प्लेबैक करते हैं तो जब ये स्टूडियो में आए वो सिंगर बैठा हुआ था और लोगों ने बताया कि इन्होंने डेमो गाया है तो उन्होंने उस सिंगर को देखा वो परेशान था थोड़ा परेशान लग रहा था तो पूछा क्या हुआ बेटा गाना गा लिए परेशान क्यों हो नहीं साहब थोड़ा माशी हालत थोड़ी मेरी ख़राब है थोड़ा परेशान हुई इस वजह से अच्छा अच्छा गाना हो गया आपका बोले हाँ मेरा गाना हो गया साहब ठीक है आप बैठो जाओ मत कहीं जी जी रफी साहब फिर वो गए उन्होंने उस जो उस, उस लड़के ने गाया गाना उसको सुना और फिर अपनी आवाज़ में उसे प्लेबैक किया फिर वो बाहर आए बोले आपको कहाँ जाना है बोले मुझे फ़ला फ़ला जगह जाना है मेरा घर वहाँ है चलो आज मैं आपको छोड़ देता हूँ अरे रफ़ी साहब क्या बात मेरी किस्मत की आप मुझे क्यों छोड़ेंगे ऐसा नहीं नहीं बेटा चलो मैं छोड़ता हूँ आपको ऐसा कोई बात नहीं चलिए आप आइए मेरे साथ तो वो कार में बैठा रफ़ी साहब के साथ रफी साहब को वो बैग लेके आया था जैसा बैग लगा के आता है ना गाने के भी बैग जेब जेब वाले बैग होते हैं वैसे लगा था रफ़ी साहब ने चुपके से उसके बैग में दस हज़ार पेमेंट था मिला था उन्हें तो उसको चुपके से उसके बैग में डाल दिए वो ड्राइवर ने देख लिया और जब वो बंदा चला गया घर को बहुत शुक्रिया अदा करे शुक्रिया रफ़ी साहब बहुत बहुत ये दिन मुझे याद रहेगा आप मेरे को छोड़ने आए ओ नहीं नहीं बढ़ाए इन अल्लाह करे आपकी ये तकलीफ़ दूर हो जाए आप खुश रहो उसको दुआ दी और आगे बढ़े ड्राइवर ने पूछा साहब आप चाहते तो उसके हाथ में दे सकते थे पैसे दस हज़ार रुपये उस जमाने में मामूली बात नहीं थी आज के जमाने गए आज के करीब के मैं समझता हूँ दस लाख के बराबर है के सही तो आप चाहते तो उसके हाथ में दे सकते क्यों नहीं दिया आपने उसके हाथ में वो पैसे रफी साहब बोले अगर मैं उसके हाथ में देता तो वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाता वो एकदम पशेमा नहीं उसको मैं पशेमा करना नहीं चाहता था शर्मिंदा करना नहीं चाहता इसलिए मैं चुपके से डाल दिया उसके बैग में तो ये उनका बड़प्पन है ये उनकी क्या उनके ऐसी मिसालें बहुत हैं ये तो उसमें से एक किस्सा मैंने छोटा किस्सा बोला है कई सिंगर्स को उन्होंने प्रमोट किया कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स को उन्होंने सिर्फ एक रुपये में भी पेमेंट के गाने गाए जिनके पास पैसे नहीं थे तो ये अच्छी शख्सियत सखावत बेशक हमारे इस प्रोग्राम में सारी चीज़ें तो हम बता नहीं सकते लेकिन जो वाक़ जो शायद आपको इल्म हो या हमारे नाजरीन को जरूर बताना चाहिए उन्होंने जो हेल्प की है लोगों की जी जी जी। वो अगर जी जी। देखना चाहे तो बहुत सारे वाक सामने आते बहुत सारे, हैं बहुत सारे बहुत सारे और वैसे रफ़ी साहब ने देखिए कुछ अरसे के लिए गाना भी छोड़ दिया था जी उस दरमियान में वो गा नहीं रहे थे जी। लेकिन जब से फिर गाना शुरू किया उन्होंने हिट नंबर्स ही दिए हैं जी जी तो मैं चाहता हूँ कि कुछ और हिट नंबर जो आपको याद आता हो हाँ एक तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा मकबूल नगमा है नेशनल अवार्ड मिला था उनको जी वो नगमे के लिए तो वो सुनाता हूं मैं आपको क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा क्या हुआ तेरा वादा वो, वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल, दिल जिस, जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो, वो कसम वो इरादा तो चले से हम से हो गए। दोस्तों जब कभी संगीत का जिक्र होता है, तो मोहम्मद रफ़ी के गाये नगमों को हम जरूर याद करते हैं रफी साहब ने अपने गीतों में हर किसी के लिए कुछ न कुछ दिया है बच्चों के जन्मदिन पर बार बार ये दिन आए बार बार दिल। हजारों साल ये मेरी है महबूब की याद में लिखे जो खत तुझे लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए तनाई के आलम में क्या हुआ तेरा वादा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा दोस्तों की शादी में आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है आज मेरे यार की शादी है बेटी की विदाई पर बाबुल की दुआएं ये सदाबहार गाने आज भी हर जगह गूंजते हैं बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तर से वक्फे के बाद नाजरीन सियासत टीवी की ताजा तरीन खबरें मुशायरे मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का टेलीकास्ट भी देख सकते हैं यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। ब्रेक के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में सभी से जुदा जिसका अंदाज है जबीता फलक जिसकी परवाज है वही जिससे संगीत को भी नाज़ है मोहम्मद रफ़ी की वो आवाज़ है रफ़ी साहब की आवाज़ में शक्ति भी थी भक्ति भी थी गहराई भी थी बुलंदी भी थी मुर्वत भी थी बगावत भी थी यहाँ हिकमत भी थी और मोहब्बत भी थी रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से हज़ारों गीतों को अमर किया है जिनमें दोस्ती के लिए नगमे हर दोस्त गाता है बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा रहे और कुछ नगमे इन्होंने दुश्मनों के लिए भी गाए हैं अपने दोस्तों से दुश्मनी की है मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तर से मुझे गम देने वाले तू खुशी को तर से मेरे दुश्मन बने पतझड़ का आए कभी ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले दुनिया है मौज दरिया कतरे की जिंदगी क्या क्या बात है बहुत बहुत जबरदस्त बहुत आपका बहुत बहुत इस्तेमाल है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जी नाजरीन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हैदराबाद के वो फनकार जिनको आप और हम मोहम्मद उस्मान के नाम से जानते हैं और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद उस्मान साहब अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी वो मोहम्मद रफ़ी साहब के नग़मों से ही की है और आज भी वो रफ़ी साहब को ही गाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा शौक से सुनते हैं तो बहरहाल आप स्टूडियो में मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो करीब तीस साल से मैं इस फील्ड में हूँ और मुझे आप लोग सराह रहे हैं और पसंद कर रहे हैं जिसके लिए मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ अच्छा उस्मान भाई रफ़ी साहब ने हर रंग के नग़मे गाए जी आपको क्या लगता है जो दूसरे सिंगर्स हैं उन्होंने भी गाए हैं लेकिन रफ़ी साहब की बात बिल्कुल जुदा गाना थी इसलिए जुदा गाना थी कि वो हर जॉनर के गीत गाए चाहे वो देशभक्ति हो या रोमांटिक हो या फिर सैड सॉन्ग्स हो हर गाने में वो फिट हो जाते थे और हर प्लेबैक सिंगर के लिए गाते थे ऐसा महसूस होता कि भाई प्लेबैक सिंगर ही गा रहा है तो ये बात उनमें थी ये खूबी उनमें थी, थी इसीलिए सारी दुनिया उनको सबसे ज्यादा पसंद करती थी मैं मेरा मानना ये है बिल्कुल जी, जी और अगर हम बात करें खुशी का मौका है जी। तो खुशी के मौके पर उन्होंने बहुत सारे नगमे गाए हैं बिल्कुल सही है। लेकिन आप हमारे इस प्रोग्राम में वो कौन सा गीत सुनाना चाहते हैं जो रफ़ी साहब ने गाया खुशी का जब जिक्र आता है तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा इससे बेहतरीन और कामयाब गीत शायद ही कोई होगा वो है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है हवाओ राग गाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया मोहम्मद उस्मान साहब आपने 87 से करियर की शुरुआत की लेकिन हमें जो इल्म है आपको पहली मर्तबा जो मौका मिला वो है याद रफीस प्रोग्राम में जो बिल्कुल खान साहब पेश किया करते थे जो आज हमारे बीच नहीं रहे उन्हें भी हम इस प्रोग्राम के जरिए याद करना चाहेंगे खराजत पेश करेंगे बहुत बड़े सिंगर रहे हैं तो पहली मरतबा आपने खान साहब के प्रोग्राम याद रफ़ी में आ, कौन सा गीत गुनगुनाया होगा उस बारे में आप ज़रूर बताइए जी खानाथर साहब का प्रोग्राम था याद रफ़ी और उसमें मुझे पहला परफॉर्मेंस स्टेज परफॉर्मेंस जो आथिर भाई ने दिया मुझे तो वो गाना कुछ ऐसा था याद ना जाए बीते दिनों की याद न जाए बीते दिनों की जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों बुलाए याद न जाए बीते दिनों की बहुत ही मशहूर गाना था जो राजेंद्र कुमार साहब पर पिक्चराइज किया और गीत आपके लिए पेश किया मैं लेकिन जब हम याद रफ़ी को याद करते हैं तो उसके बाद आप पीछे पलट कर नहीं देखा बल्कि रफ़ी साहब के गानों को गाते हुए बहुत आगे निकल पड़े जी। आ, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है सदाए रफी जी। जिसके जरिए आपकी एक आइडेंटिटी भरी वो प्रोग्राम के जरिए क्या आप उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरन को बताइए कि वो प्रोग्राम किस नवीयत का था क्योंकि आप अकलतः मेल सिंगर हुआ करते थे और साथ में फीमेल सिंगर्स जी मुझे जहाँ तक इल्म है बिल्कुल सही फरमाया ये था देखिए खुसरो शाह साहब का प्रोग्राम सदाय रफ़ी वो काफ़ी मकबूल हुआ वो हर साल करवाते थे और उसमें मुझे हर टाइप के गाने गवाते थे वो उसके बाद से मुझे और पॉपुलैरिटी मिली लोग और पसंद करने लगे तो बहुत अच्छे अच्छे गीत वो गवाते थे और मैं गाता था जी तो लेकिन एक बात है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके तजुर्बे के हिसाब से आज उस तरह के शो मुनद नहीं किए जा रहे हैं उस तरह के प्रोग्राम तरतीब नहीं दिए जा रहे हैं जी आप क्या मानते हैं क्या ऑडियंस उस तरह के प्रोग्राम देखना नहीं चाहती या फिर ऑर्गेनाइजर्स उस तरफ पहल नहीं कर रहे हैं देखिए सबसे पहली बात है मीडिया वो इस तरह के आप घर बैठे ऐसे ऐसे शोज़ देख रहे हैं और रियलिटी शोज़ देख रहे हैं और जिसमें रफ़ी साहब के गीत और दीगर फनकारों के गीत आपको घर बैठे सुनने में मिल रहे हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स जो शोज़ कर रहे हैं तो वो वजह से थिएटर शो ज़रा कम हो गए हैं और थिएटर तक पब्लिक आना कम हो गई है बन पहले के अच्छा जी नहीं लेकिन एक बात है देखिए जब हम रफ़ी साहब को याद करना चाहते हैं उन्हें खराजीदत पेश करना चाहते हैं तो कोई एक प्रोग्राम तरतीब देना चाहिए जी तो ये तो भाई आप जिस तरह रफ़ी साहब कोई गाते हैं जी तो या फिर जो ऑर्गेनाइजर्स शो पेश करते हैं वो लोग तो पहल करना चाहिए ना पहल कर रहे हैं और शोज़ हो रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन कंपेयरिंग टू अर्लियर डेज जैसा पहले हुआ करता था जितने शोज़ होते थे जब इतना टी पर शोज़ नहीं आते थे इतने चैनल्स नहीं थे तो पब्लिक जोक दर गाती थी अभी भी आती है इनफैक्ट मगर पहले जैसी बात नहीं है अच्छा जी जी तो चलिए मैं चाहता हूं कि हमारे ऑडियंस के लिए कुछ और नगबा जो आपको याद आता हो रफी साहब का गर तुम बुला ना दोगे सपने ये सच ही होंगे हम तुम जुदा ना होंगे हम तुम जुदा न होंगे गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे हम तुम जुदा न होंगे हम तुम जुदा न हो मालिक ने अपने हाथों जिस दम हमें उस्मान भाई एक चीज़ ये है कि रफ़ी साहब के तो बहुत सारे नग़मे आप गाते हैं जी। आ, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर कोई चीज़ें आपको याद आती हो कोई वाक़ तो इस प्रोग्राम में आप एक वाक्या याद आ रहा है रफ़ी साहब सिलीगुड़ी गए हुए थे जी वहाँ पर बहुत बड़ा शो था तो एक दिन रफ़ी साहब का शो था और दूसरे दिन कोई और एक आर्टिस्ट और एक सिंगर का शो था तो वो शो में अमिताभ बच्चन साहब और कई एक बड़े बड़े एक्टर्स भी शामिल थे तो रफ़ी साहब का डे फर्स्ट शो था और बहुत कामयाब रहा उसके बाद रफ़ी साहब अपना काम करके फ़ौरी एयरपोर्ट के लिए निकल गए नेक्स्ट डे और चले गए जाने के बाद इमीडिएट मालूम हुआ कि जो नेक्स्ट डे जो सिंगर आने वाले हैं वो किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं तो पूरे ऑर्गेनाइजर्स पूरे एक्टर्स इतना परेशान हो गए कि भाई क्या करेंगे क्योंकि ऑलरेडी शो सोल्ड आउट हो गए हैं और शो पैक है कैसा करना तो सब लोग मिलकर डिसाइड किए कि भाई रफी साहब से फिर अप्रोच करेंगे तो जब तक वो लोग रफ़ी साहब एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे तो फिर ये लोग गए क्योंकि बहुत काफ़ी लंबा रास्ता था बताते हैं अमिताभ साहब तो ये लोग गए जाके जब देखे तो ऑलरेडी प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार था तो फिर वहाँ पर सबसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको रफ़ी साहब से मिलना बेहद ज़रूरी है तो वो लोग परमिशन दिए रफ़ी साहब से मिलने के लिए अमिताभ साहब और साथ में जो आर्टिस्ट गए थे वो लोग गए जाने के बाद रफ़ी साहब से बोले कि भाई रफ़ी साहब हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट डे जो सिंगर आने वाले थे किसी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं और आप अगर से आ गए तो बड़ी मेहरबानी होगी तो रफ़ी साहब ने कुछ भी नहीं सुना लिटरली मतलब उठे चलिए चलते हैं तो ये सादगी थी रफ़ी साहब में और कई लोगों की मदद किया करते थे और कई लोगों की हेल्प किया करते थे वो थे रफ़ी साहब हाँ देखिए वाकई नेक सिफत इंसान थे जी, जी। बहुत सारी खूबियों के मालिक सही है सही है बिल्कुल तो रफ़ी साहब का कोई ऐसा नगमा वैसे तो उन्होंने हर जॉनर के लिए गाने गाए हैं तो चौधरी का चांद हो ये भी बहुत ज़्यादा सुना जाता है तो मैं चाहता हूँ कि उसके भी कुछ लाइन गुनगुना दें जुल्फे जैसे कान पे बादल झुके हुए आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो चौदबी का चांद या पिताब जो भी हो तुम खुदा की खसम लाजवाब हो चौदे का चांद हो वाह 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 जी अच्छा उस्मान भाई इंतजार का जहां तक जिक्र आता है जी इंतजार पर भी इन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा नगमा जिसे नौशा साहब के संगीत से सजा हुआ अगर आपको याद आता आप, हो आप शायद सुहानी, सुहानी रात ढल चुकी का जिक्र बिल्कुल मैं चाहता हूं कि सुहानी जी रात ढल चुकी ना जाने तुम कबाओगे हवा भी रुख बदल चुकी ना जाने तुम आओगे सुहानी रात ढल ना जाने तुम कब आओगे वाह वाह वा। कैसे कैसे गीत कैसे कैसे लोग कैसे कैसे वैरायटी रवि साहब ने दी वाह वाकई जी आ, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि और बहुत सारी बातें की जा सके रफी साहब के बारे में जी बहुत सारी चीजें हम इस प्रोग्राम के जरिए पेश कर सकते थे लेकिन वक्त कहीं ना कहीं जाके ठहर जाता है। बिल्कुल सही, सही है सही है ना तो बहरहाल आखिर में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि रफ़ी साहब की याद को किस तरह हम क़ायम रख सकते हैं किसी प्रोग्राम के ज़रिए या किसी शो के ज़रिए थिएटर शोज होते रहते हैं वैसे थर्टी फर्स्ट जुलाई को रफ़ी साहब की याद में 1980 में वो हमको छोड़कर चले गए तो चालीस साल से ज़्यादा का वकफा हो गया है तो हर साल उनके जो है बरसी के मौके पर डेथ एनिवर्सरी के मौके पर जो है उनका शो मुनद करते हैं यहाँ पर करते हैं और ऑल ओवर इंडिया करते हैं बल्कि सारी दुनिया में इनके शोज़ होते हैं तो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आप अपने दोस्त और रोज़ के भी जाने को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिर अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं अभी अभी तो आई हो बाहर बन के छाई हो हवा जरा महक तो ले नजर जरा महक तो ले ये शाम ढल तो ले जरा ये शाम ढल तो ले जरा ये दिल संभल तो ले जरा मैं थोड़ी देर जी तो लू नशे के घूट पी तो लू नशे के घूट पी तो लू अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं